ये वीडियो कल की है, बीरतला बस्ती नंबर 2 की। हमें शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई रेजिडेंट है बीरतला बस्ती नंबर 2 का, बिंटा से, उम्र करीब 24 साल है। तो हूँ जिमें अपना CM साहब वालों इनिशिएटिव लिता गया है कि आप नशे को ख़त्म करना है, यहोजा ही पुलिस नो भी अपने SSP साहब वालों डायरेक्शन की गई हैं कि सेमिनार्स करने हैं, अवेयरनेस कैंप चलाने हैंगे, तो कमेटियाँ फॉर्मुलेट करनी है कि पिंड के लैवल पर। तो वही पिछले हफ्ते असी कमेटी फॉर्मुलेट की सी बीरतला बस्ती नंबर 2 की भी, अब पूरा बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला सानू। तो हूँ असी मिलके दोवें पुलिस ते कमेटी मिलके काम कर रही है। तो कल ये वारदात जड़ी हुई थी ते कमेटी मैंबर ने वीडियो भी बनाई थी ते सानू उदों वेले ही इन्फॉर्मेशन दी सी ते असी कमेटी नाल मिलके जे बंदे की सर्च की सी तो वो बरामदगी भी हुई थी 2 ग्राम हेरोइन की, ते असी रात नू ही वो बंदे ते परचा दिता है। सर, एक वीडियो वायरल हुई है, उसको लेकर आपके द्वारा कैसी कार्रवाई? ये वीडियो कल की है, बीरतला बस्ती नंबर 2 की। हमें शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई रेजिडेंट है बीरतला बस्ती नंबर 2 का, बिंटा से, उम्र करीब 24 साल है। तो हूँ जिमें अपना CM साहब वालों इनिशिएटिव लिता गया है कि आप नशे को ख़त्म करना है, यहोजा ही पुलिस नो भी अपने SSP साहब वालों डायरेक्शन की गई हैं कि सेमिनार्स करने हैं, अवेयरनेस कैंप चलाने हैंगे, तो कमेटियाँ फॉर्मुलेट करनी है कि पिंड के लैवल पर। तो वही पिछले हफ्ते असी कमेटी फॉर्मुलेट की सी बीरतला बस्ती नंबर 2 की भी, अब पूरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला सानू। तो हूँ असी मिलकर दोवें पुलिस से कमेटी मिलकर काम कर रही है। तो कल ये वारदात जी हुई थी तो कमेटी ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ कोर्ट वालों भी और जिहड़ा समाज उहदे वालों भी विक्टिम वांगू देखिया जाना चाहिदा है, क्योंकि हो सकदा कोई बंदे गलत रास्ते गलत संगत पड़ गए होण। तो साडा इनिशिएटिव हुण यही है कि पीण वाला ते आपां काउंसलिंग कीती जावे ते उहनां नूं सेंटर भर्ती करा जाए ताकि वह खुद समझण कि यह चीज़ उहनां दे लई ठीक नहीं है। कई बार ये देखा गया कि कानूनी कार्रवाई चलती पई है कि आपां पीण वाला ते भी कार्रवाई करदे आं, पर वह कोई डिटरेंट फैक्टर अजे तक साबित होया नहीं है। पर जिहड़ी काउंसलिंग कीती जांदी उहदे विच असीं 2-4 बंदे भर्ती भी कराए हैं ते लोग किस खुद समझने लग पाए हैं कि ये साडे लिए ठीक नहीं है। सर, एक वीडियो हुई है, उसको लेकर आपके द्वारा कैसे ये वीडियो कल की है, बीरतला बस्ती नंबर 2 की। हमें शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई रेजिडेंट है बीरतला बस्ती नंबर 2 का, बिंटा से, उम्र करीब 24 साल है। तो हूँ जिमें अपना CM साहब वालों इनिशिएटिव लिता गया है कि आप नशे को ख़त्म करना है, यहोजा ही पुलिस नो भी अपने SSP साहब वालों डायरेक्शन की गई हैं कि सेमिनार्स करने हैं, अवेयरनेस कैंप चलाने हैंगे, तो कमेटियाँ फॉर्मुलेट करनी है कि पिंड के लैवल पर। तो वही पिछले हफ्ते असी कमेटी फॉर्मुलेट की सी बीरतला बस्ती नंबर 2 की भी, अब पूरा बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिला सानू। तो हूँ असी मिलके दोवें पुलिस ते कमेटी मिलके काम कर रही है। तो कल ये वारदात जी हुई थी ते कमेटी मैंबर ने वीडियो भी बनाई थी ते सानू उदों वेले ही इन्फॉर्मेशन दी सी ते असी कमेटी नाल मिलके जे बंदे की सर्च की सी तो वो बरामदगी भी हुई थी 2 ग्राम हेरोइन की, ते असी रात नू ही वो बंदे ते परचा दिता है। सर, एक वीडियो वायरल हुई है, उसको लेकर आपके द्वारा कैसी कार्रवाई? ये वीडियो कल की है, बीरतला बस्ती नंबर 2 की। हमें शाम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कोई रेजिडेंट है बीरतला बस्ती नंबर 2 का, बिंटा से, उम्र करीब 24 साल है। तो हूँ जिमें अपना CM साहब वालों इनिशिएटिव लिता गया है कि आप नशे को ख़त्म करना है, यहोजा ही पुलिस नो भी अपने SSP साहब वालों डायरेक्शन की गई हैं कि सेमिनार्स करने हैं, अवेयरनेस कैंप चलाने हैंगे, तो कमेटियाँ फॉर्मुलेट करनी है कि पिंड के लैवल पर। तो वही पिछले हफ्ते असी कमेटी फॉर्मुलेट की सी बीरतला बस्ती नंबर 2 की भी, अब पूरा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला सानू। तो हूँ असी मिलकर दोवें पुलिस से कमेटी मिलकर काम कर रही है। तो कल ये वारदात जी हुई थी तो कमेटी
ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਰੀਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਸੀ ਬਣਾਈਏ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਕਟਿਮ ਵਾਂਗੂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਪੜ ਗਏ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਮਝਣ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਡੈਟਰੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2-4 ਬੰਦੇ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਿ ਖੁਦ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।